कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 10.2 अध्याय 10 सरलरेखा प्रश्न 17। किसी दूध भंडार का स्वामी प्रति सप्ताह 980 लीटर दूध रुपये 14 प्रति लीटर के भाव से और 1220 लीटर दूध रुपये 16 प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। विक्रय मूल्य तथा मांग के संबंध में को रैखिक मानते हुए यह ज्ञात कीजिए कि प्रति सप्ताह वह कितना दूध रुपये 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से बेच सकता है। इसके हल में हम लिखेंगे जब विक्रय मूल्य जब विक्रय मूल्य और मांग में कैसा रैखिक संबंध हो, जब विक्रय मूल्य और मांग में रैखिक संबंध हो तो दूध के भाव तब कहे के दूध के भाव और दूध की खपत को क्रमशः इन दोनों को क्या क्रमशः क्या चर एक्स व वाई से क्या करेंगे हम व्यक्त करेंगे। चर एक्स व वाई से क्या करते हैं व्यक्त कर रैखिक फलन पर दो बिंदु कितने दो बिंदु कौन कौन से 14 रुपये प्रति लीटर दूध कितना 980 लीटर व दूसरा 16 रुपये प्रति लीटर दूध कितना 1220 लीटर स्थित होंगे। हमारे पास ये दो कंडीशन माना 17 रुपये प्रति लीटर के भाव से वह लीटर दूध प्रति सप्ताह खपत होता है खपत है। तब बिंदु कौन सा 17, वहाँ भी इसी रेखा पर स्थित है और ये तीन बिंदु हमको मिले। पहला बिंदु हमारे पास है 14980, दूसरा बिंदु हमारे पास है 16 1220 तथा तीसरा बिंदु है 17 भाई। ये तीनों समरेख होंगे, ये तीनों के तीनों बिंदु कैसे होंगे समरेख होंगे। तब क्या समरेख होने का प्रतिबंध तब समरेख होने का क्या प्रतिबंध क्या होगा y3 - y2 / x3 - x2 / y2 - y1 / x2 - x1 / y - 1220 / 17 - 16 / 1220 - 980 / 16 - 14 इसको जब हल करेंगे तो वाई ऋण 1220 / 1 = 240/2 तो इसको हल करने पर वाई ऋण 1220 = 120
इसलिए y बराबरी से ये दोनों मान जुड़ जाएंगे, तो जुड़ने पर क्या आएगा 1340। अतः क्या दूध भंडार का स्वामी क्या प्रति सप्ताह रुपये प्रति लीटर के भाव से प्रति लीटर के क्या भाव से कितना 1340 लीटर दूध क्या बेच सकेगा। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल, धन्यवाद।